सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुर्रम और आप देख रहे हैं प्रॉग मैक्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कमांड लाइन को यूज करते हुए हम डायरेक्टरी को किस तरह कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डायरेक्टरी का नाम हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कमांड लाइन को यूज करते हुए हम हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं, और कमांड लाइन को यूज करते हुए हम टेक्स्ट फाइल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कालिंग्स को ओपन कर लेते हैं, मेरे पास पहले से ओपन है। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि हार्ड लिंक्स क्या होते हैं, सॉफ्ट लिंक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सॉफ्ट लिंक्स क्या होते हैं। सॉफ्ट लिंक बेसिकली जैसे विंडोज के अंदर हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, इसी तरह सेम एज इट इज लिनक्स के अंदर हम सॉफ्ट लिंक्स को यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ हार्ड लिंक्स क्या होते हैं। हार्ड लिंक बेसिकली किसी भी फोल्डर या फाइल की एग्जैक्ट कॉपी होती है। अब मान के चलिए मेरे पास एक फोल्डर है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट वन, और दूसरा मेरे पास फोल्डर है उसका मैं नाम रखता हूँ टेस्ट टू। अब मान के चलिए टेस्ट वन की मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी है, यानी कि सॉफ्ट लिंक है, और दूसरे टेस्ट टू की जो फोल्डर है इसके मेरे पास हार्ड लिंक है। अब मान के चलिए दोनों की मेरे पास शॉर्टकट मौजूद है। अगर मैं टेस्ट वन की ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो उसकी सॉफ्ट लिंक किसी काम की नहीं रहेगी, यानी कि इसका जो शॉर्टकट है वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली एक पॉइंटर है जो कि एक एक्चुअल फाइल को पॉइंट कर रहा है। जबकि जो टेस्ट टू की हमारे पास हार्ड लिंक है वो इस फाइल की, वो इस फोल्डर की ओरिजिनल कॉपी होगी, यानी कि बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह की वो कॉपी होगी। अब मान के चलिए अगर मैं टेस्ट टू की ओरिजिनल फाइल जो कि यही फाइल है, अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तब भी हमारे पास टेस्ट टू की जो हार्ड लिंक होगी वो वर्किंग होगी, और जो भी वर्क इसमें किया गया होगा या जो भी टेक्स्ट के अंदर मौजूद होगा वो उसके अंदर बाकी रहेगा। हालांकि मैं इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर चुका हूँ, फिर भी वो जो फाइल है वो बिल्कुल सही सलामत मेरे पास रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सॉफ्ट लिंक्स या हार्ड लिंक्स को क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ सॉफ्ट लिंक्स जो है फाइल और फोल्डर दोनों की क्रिएट की जा सकती है, जबकि हार्ड लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ फाइल की क्रिएट की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं टर्मिनल विंडो ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने टर्मिनल विंडो ओपन कर ली, मैं अपना होम डायरेक्टरी को भी ओपन कर लेता हूँ। अब मान के चलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक फोल्डर है जो कि होम डायरेक्टरी के अंदर है, और हम चाहते हैं कि उसका एक शॉर्टकट या सॉफ्ट लिंक डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाए, ताकि हमें बार बार होम डायरेक्टरी के अंदर ना आना पड़े। तो हम क्या करेंगे, तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हमें फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं होम डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मैं कमांड टाइप करता हूँ mkdir और फोल्डर का नाम, मैं मान के चलिए मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ टेस्ट, मैं एंटर करता हूँ। ये देखें होम डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। देन अब मैं चाहता हूँ इसका शॉर्टकट मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करूँ, तो वो किस तरह होगा। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ ln -s /root/, क्योंकि ये जो फोल्डर हमारे पास है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर है, यानी कि हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर। मैं उसकी डायरेक्टरी का पाथ लिखूंगा और फोल्डर का नाम जो भी है, मेरे फोल्डर का नाम टेस्ट है तो मैंने टेस्ट रखा। अब मैं वो पाथ उसको दूंगा जहाँ पे मैं इसका सॉफ्ट लिंक या शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शॉर्टकट हो डेस्कटॉप पर हो, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का पाथ दे दूंगा root/, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप है वो भी रूट की डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं यहाँ पे रूट से स्टार्ट करता हूँ desktop/, और फोल्डर का नाम जो भी है जिसकी हमें शॉर्टकट क्रिएट करनी है मैं एंटर करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट नाम का एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जो शॉर्टकट होता है विंडोज की तरह सेम एज इट इज वो शॉर्टकट होता है, इसके अंदर एक शॉर्टकट का निशान भी है। अब मैं आपको वो समझा रहा था कि अगर मैं शॉर्टकट को क्रिएट डिलीट कर देता हूँ तो क्या होता है। अब मान के चलिए मैं इस शॉर्टकट को डिलीट करता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, ये जो है मेरी ओरिजिनल फाइल है और ये मेरा शॉर्टकट है। अब मैं शॉर्टकट को अगर डिलीट कर देता हूँ तो देखिए मेरी ओरिजिनल, सॉरी मैं अगेन एक शॉर्टकट बनाता हूँ। मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया, ये शॉर्टकट यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैं आपको ये कह रहा था, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो है हमारे पास शॉर्टकट वर्किंग में है, ठीक है। ये शॉर्टकट हमारे पास जो है टेस्ट वो हमारे पास जो है वर्किंग में है। अगर मैं इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा। मैं यहाँ पे इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने इसकी ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया। अब मैं इस टेस्ट को ओपन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखें इसने एरर दिया, टेस्ट could not be found, perhaps it has certainly been deleted, यानी कि ये जो अब शॉर्टकट है ये वर्किंग में नहीं है क्योंकि इसकी ओरिजिनल फाइल अब डिलीट हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कमांड
लाइन का यूज करते हुए हम टेक्स्ट फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, तो मैं किस तरह क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा cat कैट ग्रेटर देन, और फाइल हमने कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप का पाथ, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फाइल का नाम रखता हूँ न्यू फाइल, और फाइल की एक्सटेंशन वापस txt होगी, वहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल है, मैं एंटर करता हूँ। ये देखें यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई। अब कमांड अभी पूरी नहीं हुई है, अब ये देख सकते हैं ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ हमें कुछ टाइप करना है जो कि उस फाइल में सेव होगा। अब मान के चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ खुर्रम, और मैं इंटर करता हूँ और कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये जो खुर्रम है वो इस फाइल के अंदर एंटर हो चुका होगा। इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। इस फाइल को मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हमने फाइल क्रिएट करना सीख ली टेक्स्ट फाइल। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड लिंक हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फाइल का शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप पर ही हो, मैं डेस्कटॉप पर ही इसका एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं कमांड टाइप करता हूँ ln माइनस एस स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश न्यू फाइल डॉट txt स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश न्यू फाइल डॉट txt। मैं एंटर करता हूँ, इसने क्रिएट नहीं किया। चलिए मैं इसका नाम चेंज करता हूँ कि नाम की वजह से कॉन्फ्लिक्शन हो रही है। मैं न्यू फाइल वन के नाम से शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं न्यू फाइल वन का एंटर करता हूँ। अभी देखें कि न्यू फाइल का जो है यहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो भी फाइल जो भी जो टेक्स्ट है वो हमारी ओरिजिनल फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वही हमारे शॉर्टकट के अंदर भी होगा। तो चलिए मैं अब इसका हार्ड लिंक क्रिएट करता हूँ। हार्ड लिंक क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड टाइप करूंगा ln सिंपल रूट डेस्कटॉप हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट txt स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश न्यू फाइल 3.txt। अब मैं एंटर करता हूँ, अभी देख सकते हैं ये भी एक शॉर्टकट है बट इसके अंदर कोई शॉर्टकट का निशान नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था, ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है, ये मेरे पास हार्ड लिंक है और ये मेरे पास सॉफ्ट लिंक है। अगर मैं ये ओरिजिनल फाइल डिलीट कर देता हूँ तो देखते हैं कि दोनों पर इसका क्या इफेक्ट होता है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ rm स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश न्यू फाइल डॉट txt। मैं इस फाइल को रिमूव कर रहा हूँ और ये इसकी कमांड है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये फाइल यहाँ से रिमूव हो गई। अब मैं इसका जो सॉफ्ट लिंक है इसको ओपन करता हूँ। ये सॉफ्ट लिंक मैंने ओपन किया, अभी देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है क्योंकि इसकी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो चुकी है, तो अब ये वर्किंग नहीं है। अब मैं इसका हार्ड लिंक ओपन करता हूँ। मैं हार्ड लिंक में इसका जब ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल फाइल के डिलीट होने के बाद भी वर्किंग है। तो ये होता है हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से टेक्स्ट फाइल को कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।